the board has decided to conduct 2023 board examination from 15th of February 2023, यानी कि 15 फरवरी से अब तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। भाई वंश, ये एविडेंस वाली वीडियो एक नंबर थी यार। थैंक यू भाई। अच्छा, ये पार्ट टू कब आ रहा है? अरे भाई, वो थोड़ा एग्जाम में फंस गया यार, पता नहीं कब तक आ पाएगा। ओ अच्छा, चल ठीक है। तो देखो, महाभारत एविडेंस सीरीज का पार्ट वन हमने इस कंक्लूजन पर खत्म किया था कि बिकॉज महाभारत टाइम्स में अरुंधति वशिष्ठ के आगे चल रही थी, तो ये वॉर 4508 बीसी के पहले और 1191 बीसी के बाद हो ही नहीं सकता। मतलब बेसिकली वी गॉट एन इंटरवल ऑफ ऑलमोस्ट 6500 ईयर्स। क्यों या कैसे, उसके लिए पहले पार्ट वन देख लो। नाउ वी ऑल नो कि ऑन द 10th डे ऑफ वॉर पितामह भीष्म फेल डाउन और वो तीरों की शैया पर आ गए थे। एंड इंटरेस्टिंगली वो इमीडिएटली मरे नहीं थे, दे स्पेंड सम डेज और इवन सम मंथ्स ऑन द बेड ऑफ एरो। एंड द रीजन इज कि बिकॉज पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी आखिरी सांस लेंगे ऑन द डे ऑफ उत्तरायण, यानी ऑन द डे ऑफ विंटर सोल्स्टिस। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग्स कम्स इन द सीन। इसलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनना, एंड आई नो आपने हेडफोन तो लगा ही लिए। नाउ देखो, ये जो कुछ दिनों का गैप है ना, फ्रॉम द डे भीष्म फेल डाउन टू द डे ऑफ उत्तरायण, ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि पितामह भीष्म कितने दिनों के लिए तीरों की शैया पर थे, तो कुछ फर्दर कैलकुलेशंस करके हम महाभारत वॉर की एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इट डन। कैलकुलेशन ऑफ भीष्मस ड्यूरेशन ऑन द बेड ऑफ एरोज। नाउ सबसे पहली चीज ये देखो कि महाभारत वॉर 18 दिनों के लिए चला था, एंड अगर भीष्म 10वें दिन तीरों की शैया पर आ गए थे, तो वो 10वें दिन की रात और बाकी 8 दिन भी तीरों की शैया पर थे, एंड दैट गिव्स अस 9 डेज। मतलब ड्यूरिंग द वॉर भीष्म 9 दिन थे ऑन द बेड ऑफ एरो। अब युद्ध खत्म होने के बाद अकॉर्डिंग टू महाभारत टेक्स्ट, युधिष्ठिर एंड बाकी पांडव जाते हैं गंगा नदी के किनारे टू परफॉर्म प्रेत कृत्य, मतलब बेसिकली आफ्टर डेथ रिचुअल्स फॉर द पीपल जो इस डेडली वॉर को सरवाइव नहीं कर पाए। नाउ शांति पर्व चैप्टर 1.1 के हिसाब से ये लोग गंगा के घाट पर आत्म शुद्धि के लिए एक महीने के लिए रहे, बट इस महीने में कितने दिन थे ये वेरी कर सकता है, बट स्टिल वी विल टेक द मोस्ट कंजर्वेटिव नंबर, दैट इज 27 डेज। और ध्यान रहे, ड्यूरिंग दीज 27 डेज भीष्म वॉज स्टिल ऑन द बेड ऑफ एरोज, एंड दैट गिव्स अस 9 + 27, दैट इज 36 डेज। नाउ ये लोग जो कि एक महीने से गंगा घाट पर थे, वो वापस हस्तिनापुर आते हैं, एंड युधिष्ठिर अपना कार्यभार संभालते हैं, एंड कुछ दिन अपना नेसेसरी धर्म मतलब नेसेसरी ड्यूटीज पूरी करते हैं। अब क्या होता है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को ये याद दिलाते हैं कि भीष्म अभी भी तीरों की शैया पर हैं और वो बहुत जल्द ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, तो युधिष्ठिर तुम्हें उनसे मिलना चाहिए एंड अपने सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट क्राफ्ट एटसेट्रा पूछ लेना चाहिए। नाउ युधिष्ठिर ऐसा ही करते हैं, अलोंग विद कृष्णा एंड फ्यू अदर्स वो जाते हैं उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह भीष्म से मिलने। अब एक चीज देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो ड्यूरेशन है ना, फ्रॉम द डे युधिष्ठिर लेफ्ट द बैंक ऑफ गंगा टू द डे व्हेन युधिष्ठिर मीट भीष्म पितामह, ये हमें नहीं पता है, या ऐसा कह लो कि देयर आर नॉट स्पेसिफिक मेंशंस जिससे हमें ये ड्यूरेशन पता चले, तो दैट्स व्हाई अभी के लिए लेट सपोज कि ये ड्यूरेशन है एक्स डेज। मतलब अभी तक भीष्म वाज ऑन द बेड ऑफ एरोज फॉर 9 + 27 + x डेज। नाउ भगवान कृष्ण युधिष्ठिर एंड बाकी पांडव पितामह भीष्म से बात करते हैं और अपने क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ महाभारत के शांति पर्व चैप्टर 51.13 के हिसाब से कृष्ण पितामह भीष्म से बोलते हैं कि अब आपके पास जीने के लिए 56 दिन और है, मीन्स उत्तरायण यानी कि विंटर सोल्स्टिस अब 56 दिन दूर था, एंड जैसा कि मैंने बताया था पितामह भीष्म पास्ड अवे ऑन द डे ऑफ उत्तरायण, दैट मींस वी फाइनली कैलकुलेटेड दैट भीष्म वाज ऑन द बेड ऑफ एरोज फॉर एटलीस्ट 92 डेज। एटलीस्ट इसलिए बोला क्योंकि एक्चुअल नंबर इज मोर देन 92 डेज, बिकॉज वो जो बीच की ड्यूरेशन थी ना जिसको हमने एक्स माना था वो हमें नहीं पता। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर उत्तरायण और द विंटर सोल्स्टिस इज द डे एग्जैक्टली आफ्टर द एंड ऑफ हेमंत सीजन, एंड ये वो क्लू है जिसके लिए हमने वो ड्यूरेशन ऑफ भीष्म ऑन द बेड ऑफ एरोस कैलकुलेट करी, विच इज अगेन एटलीस्ट 92 डेज। नाउ देखो, फ्रॉम द डे ऑफ विंटर सोल्स्टिस इफ वी गो बैक इन टाइम फॉर 60 डेज देन हेमंत सीजन खत्म हो जाएगा। अब If we further go back for 32 days, then second part of Sharad season would be over. I know ये थोड़ा complex हो गया, but यहाँ से हमें बस ये conclusion लेना
लेना है कि मोस्ट ऑफ द महाभारत वॉर हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ शरद सीजन एंड कंसिडर इट एज एविडेंस वन। नाउ इंटरेस्टिंगली देर आर मेनी मेंशंस इन द महाभारत टेक्स्ट दैट सेज कि अभी जब महाभारत वॉर हो रही है तब शरद सीजन चल रहा है एंड दैट मींस हमारी कैलकुलेशन सही है। अब देखो मैं तुम्हें दो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स बताने वाला हूँ फ्रॉम द महाभारत टेक्स्ट। नंबर वन, भीष्म पर्व चैप्टर 2.23 के हिसाब से महाभारत वॉर के पहले जो पूर्णिमा थी वो कार्तिक महीने की पूर्णिमा थी। नंबर टू, चैप्टर 3.31 के हिसाब से महाभारत वॉर के पहले दिन के एक दिन पहले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी एंड दैट मींस महाभारत वॉर स्टार्टेड ऑन कार्तिक अमावस्या। नाउ आई नो ये हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो गया बट ये सब का कंक्लूजन ये है कि महाभारत वॉर हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष एंड कंसीडर इट एज एविडेंस टू। एंड ये मार्गशीर्ष मंथ कैसे आया उसके लिए आपको थोड़ा हिंदू कैलेंडर समझना पड़ेगा एंड जो भी थोड़ा बहुत हिंदू कैलेंडर को समझता होगा वो समझ गया है। नाउ ये जो हमने अलग अलग तरीके से इतने सारे कॉम्बिनेशन निकाले हैं लाइक महाभारत वॉर शरद सीजन में हुआ था जब मार्गशीर्ष मंथ चल रहा था और उसके भी शुक्ल पक्ष में, तो ये कॉम्बिनेशन गेव अस एन इंटरवल ऑफ 1600 इयर्स। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो इन 1600 सालों के बीच में ही कहीं पर बनना पॉसिबल है। और वो इन 1600 सालों में भी एग्जैक्टली कहां पर बना था वो जानने से पहले एक चीज देखो कि अगर तुम्हें कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आई या फिर कोई डाउट है कि ये कैसे हुआ या वो कैसे हुआ तो इस पूरी रिसर्च की डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए, अगर टाइम मिले तो देख लेना। नाउ द ईपोक ऑफ भीष्म निर्वाण, मतलब ये पूरी कैलकुलेशन गेव अस एन इंटरवल ऑफ 1600 इयर्स दैट इज 5125 बीसी से 6722 बीसी। मतलब महाभारत वॉर इसी के बीच में कहीं पर हुआ है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज पार्ट वन ऑफ दिस सीरीज गेव अस एन इंटरवल ऑफ 6500 इयर्स एंड पार्ट टू में ये इंटरवल घट के बस 1600 सालों का रह गया। एंड आई नो कि आपको एग्जैक्ट डेट जाननी है जो कि हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाकी सारे एविडेंसेस इन द कमिंग पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। और तब तक के लिए अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो ये लो देख लो।